हिजबुल्ला के लड़ाकों ने लेबनान बॉर्डर पर बनी IDF की कई सैन्य चौकियों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके लड़ाकों ने देर रात करीब 1 बजे हनीता साइट पर IDF के जमावड़े पर गोला बारूद बरसाया और इसी दौरान मिसगाव अम सेटलमेंट पर भी हिजबुल्ला ने रॉकेटों का एक जत्था फायर कर दिया। हिजबुल्ला के मुताबिक अगली सुबह करीब 9 बजे यरौन सेटलमेंट में IDF के जमावड़े वाले ठिकाने पर रॉकेटों का पूरा साल्वो फायर किया गया और इसी दौरान रमीम बैरिज पर हिजबुल्ला ने फलक रॉकेट्स की झड़ी लगा दी। हिजबुल्ला का दावा है कि इस हमले में IDF को तगड़ा नुकसान हुआ है और जब इजरायली सेना लेबनान के फातिमा गेट पर घुसने की कोशिश कर रही थी तब उसके ऊपर फिर से बमबारी की गई। और सुबह करीब 10:45 पर शतूला और अल राहिब सैन्य चौकियों पर भी हिजबुल्ला के लड़ाकों ने एक के बाद एक रॉकेट दागे और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने अदामित सेटलमेंट पर करीब 11:30 पर रॉकेटों का एक पूरा साल्वो फायर कर दिया। हिजबुल्ला के मुताबिक इस दौरान तबारिया में भी कई रॉकेट दागे गए। आपको बता दें कि इन हमलों के बीच हिजबुल्ला ने गिलॉत बेस और मोसाद हेडक्वार्टर्स पर भी हमले का एक वीडियो जारी किया है। ये हमला खैबर ऑपरेशंस के तहत किया गया था। हिजबुल्ला के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले सैटेलाइट या ड्रोन कैमरे के जरिए IDF के ठिकानों को चिन्हित किया जाता है। इसके बाद हरियाली के बीच तैनात एक रॉकेट लॉन्चर से हिजबुल्ला के लड़ाके दनादन रॉकेट फायर करने लगते हैं। हिजबुल्ला के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये मिसाइलें आसमान को चीरती हुई इजराइल की तरफ बढ़ती हैं। इस हमले के अलावा हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसने IDF की इलीट फोर्स के रास्ते में एक IED बिछा दिया था। IDF का ये काफिला मरून अल रस और यारून की तरफ बढ़ रहा था तभी हिजबुल्ला ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इजरायली सेना के काफिले की निगरानी करने के बाद ही उसके रास्ते में कुछ ही घंटों पहले IED बिछाया था और जैसे ही इजरायली सेना यहां से गुजरी ये IED ब्लास्ट हो गया। लेबनान का हिजबुल्ला इजरायल के लिए एक ऐसी मुसीबत बनता जा रहा है जो उसे निकलने के लिए तैयार बैठी है। दरअसल हिजबुल्ला के हमलों से उत्तरी इजरायल में तबाही मची हुई है। वहीं इजरायली फौज हिजबुल्ला को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है जिसकी वजह से गाजा में भी IDF लगातार कमजोर होती जा रही है जिसका सीधा फायदा हमास और हिजबुल्ला को मिल रहा है जो इजरायली फौज की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जो बेहद ही चौंकाने वाला है और अगर PM नेतन्याहू ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो हिजबुल्ला उनके लिए एक ऐसा नासूर बन जाएगा जिसका इलाज कर पाना इजराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा। दरअसल इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने कहा है कि लेबनान की तरफ से पिछले महीने रोजाना 42 रॉकेट और ड्रोन फायर किए गए हैं। अगस्त 2024 में हिजबुल्ला की ओर से इसराइल पर 1307 रॉकेट फायर किए गए। जुलाई 2024 में इसराइल पर 1091 रॉकेट फायर किए गए। जून 2024 में ये आंकड़ा 855 का था जबकि मई 2024 में 744 और मार्च में 746 और फरवरी 2024 में 534 और जनवरी में हिजबुल्ला ने 334 रॉकेट और ड्रोन फायर किए हैं। वहीं अकेले 25 अगस्त 2024 को हिजबुल्ला ने अपने शीर्ष कमांडर फौज शुक्र की हत्या के प्रतिशोध के पहले चरण के रूप में एक ही ऑपरेशन में इजराइल की ओर लगभग 340 रॉकेट मिसाइल और ड्रोन दागे थे। वहीं हमलों के बीच हिजबुल्ला ने उत्तरी इजराइल में फिर से कोहराम मचाया है। हिजबुल्ला ने रामोट नफ्ताली बैरिक्स पर कई ड्रोन्स और ग्रेड रॉकेट से हमला किया है और इस हमले के कुछ ही मिनटों बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अल साहल बटालियन के कमांड हेडक्वार्टर पर भी एक तगड़ा हमला कर दिया
यह हमला बेत हिल्लेल बैरिक में हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने यारा बैरिक्स में वेस्टर्न ब्रिगेड 300 के नए हेडक्वार्टर पर कई ड्रोन्स फायर किए हैं, जिसमें इजरायली अधिकारियों और सैनिकों की पोजीशंस को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही अल तायहत हिल इलाके में भी जब इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे तो वहां पर हिजबुल्ला ने रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी और इसके 15 मिनटों के बाद करीब 4:30 पर अल मलिकिया मिलिट्री साइट पर हिजबुल्ला ने कई राउंड गोला बारूद दागा। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले कफार शोबा हिल्स में आईडीएफ की रोयसत अल अलाम साइट पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए हैं और इसके आधे घंटे बाद यानी 6:30 पर बिरकत रिशा साइट पर आईडीएफ के जासूसी उपकरणों को तबाह कर दिया गया। वहीं हनीता साइट पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने जमकर गोला बारूद बरसाया है। लबनान का हिजबुल्ला गाजा युद्ध के बीच इसराइल को ऐसे ऐसे झटके दे रहा है जिसकी वजह से उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली फौज की कमर टूटती जा रही है। पहले तो सैनिकों की जान का नुकसान, वहीं दूसरी तरफ नुकसान सैन्य उपकरणों और हथियारों का, जिनकी कीमत अरबों डॉलर में है। इजरायली सेना को हिजबुल्ला के साथ अघोषित जंग लड़ना सबसे ज्यादा महंगा पड़ रहा है। और तो और, हिजबुल्ला अब इसराइल के कई संवेदनशील सैन्य ठिकानों की जानकारी तक ले चुका है, जिसकी वजह से इसराइल के भीतर सैन्य ठिकानों, हथियार कारखानों और फैक्ट्रियों जैसे अहम टारगेट अब हिजबुल्ला के निशाने पर हैं। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने 11 अगस्त 2024 को इसराइल पर सिलसिलेवार तरीके से कई बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने आईडीएफ के कई ठिकानों पर गोला बारूद बरसाया है। हिजबुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि उसने सुबह करीब 7:30 पर अलमर्ज मिलिट्री साइट पर गोलीबारी की है। इसके बाद करीब 9:15 पर हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अल राहिब मिलिट्री साइट पर जमा हो रहे इजरायली सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया और इसके बाद बिरकत रिशा मिलिट्री साइट पर हिजबुल्ला ने आईडीएफ के जमावड़े पर सीधे रॉकेट दागे। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस हमले के ठीक बाद मिताद बैरिक्स पर इजरायली सैनिकों के एक और जमावड़े पर अटैक कर दिया और इसके तकरीबन 5 मिनट बाद ही हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अल मलिकिया मिलिट्री साइट पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। इस हमले में हिजबुल्ला ने आईडीएफ के जासूसी उपकरणों को उड़ाने का दावा किया। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में आईडीएफ के अल आलम सैन्य अड्डे पर भी कई जासूसी उपकरणों को ध्वस्त कर दिया है और इसी सैन्य अड्डे पर शाम को करीब 4:22 पर कई रॉकेट भी फायर किए गए और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने एक बार फिर से अल मलिकिया सैन्य अड्डे पर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन फायर कर दिया और शाम होते होते करीब 7:20 पर हिजबुल्ला ने इसराइल लेबनान सीमा पर बसे अल जिर्दा मीटिंग पॉइंट पर एक और हमला किया। यहां पर भी इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे। आपको बता दें कि इन हमलों से पहले इजरायली सेना ने हिजबुल्ला को बहुत बड़ा झटका दिया था। दरअसल आईडीएफ ने अपने हवाई हमलों में 3 बड़े लड़ाकों को मार गिराया था। आईडीएफ ने लेबनान के ब्लिदा कब्जे में हिजबुल्ला के लड़ाके मोहम्मद हानी हैदर को ढेर कर दिया था। इसके बाद हदाता कस्बे के अली समीर हिजाजी को भी आईडीएफ ने मार गिराया था और इसके बाद लेबनान के बेत लेफ कस्बे के हुसैन गदबान की भी इजरायली सेना ने हत्या कर दी। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने अल तायबे और मारूब कस्बे और यातेर के बाहरी इलाकों पर बमबारी की थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और इस हमले को लेकर लेबनान की न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि इस हमले में 5 इजरायली मूल के लोग घायल हुए हैं। हाल ही में अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN ने सूत्रों के हवाले से खुलासा किया था कि हमास नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फुआद शुकुर की मौत का बदला लेने के लिए लेबनान का हिजबुल्ला इसराइल पर अकेले ही हमला करने की तैयारी में लगा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि हिजबुल्ला ईरान के हमला करने से पहले ही तेल अविव पर धावा बोल सकता है। हालांकि यह हमला किस तरह से होगा और कब होगा, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई थी, लेकिन अब लेबनान बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बन चुके हैं, उन्हें देखकर लगता है कि हिजबुल्ला के बदले की आग इसराइल पर बरसना शुरू हो गई है।
और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर एक ऐसा हमला किया है जिसकी आग तेल अविव तक पहुंची है। जी हां, हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने उत्तरी कब्जे वाले इलाके पर कई रॉकेट हमले किए हैं, यहां तक कि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की बैटरियों को भी उड़ा दिया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने पश्चिमी अल जलील की तरफ रॉकेट के कई जत्थे फायर किए, जिसकी वजह से शलोमी और नहारिया के बीच कई इलाके प्रभावित हुए हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने मैनोर सेटलमेंट के पास कई रॉकेट के जत्थे फायर किए और इन इलाकों में आयरन डोम की बैटरी, आर्टिलरी पोजीशन, यहां तक कि पार्किंग में खड़ी सैन्य गाड़ियों पर भी हमला किया गया है। हिजबुल्ला ने आगे ये भी बताया कि उसने जारिद बैरिक्स की तरफ कई कैलिबर बुरकन रॉकेट फायर किए हैं। बड़ी बात यह है कि इस इलाके में IDF की 300वीं टेरिटोरियल ब्रिगेड बटालियन का हेडक्वार्टर है और इस हमले के बाद शाम करीब 5 बजे हिजबुल्ला ने अल शुमाका मिलिट्री साइट पर फिर से हमला कर दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि यह इलाका लेबनान के कफार चौबा हिल्स में आता है, जिस पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है। और इस हमले के बाद बिरानेट बैरिक्स पर IDF की 91वीं डिवीजन के हेडक्वार्टर पर हिजबुल्ला ने कई राउंड बुरकन रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक इस हमले में बेस का एक हिस्सा तबाह हो गया है, जिसमें आग लग गई थी, और शाम को करीब 7:40 पर हिजबुल्ला ने रमीम बैरिक्स पर एक और रॉकेट हमला किया। आपको बता दें कि इन हमलों की शुरुआत से पहले 8 अगस्त 2024 की सुबह हिजबुल्ला ने एक ड्रोन हमला किया था। ये हमला अल मर्ज सैन्य अड्डे पर हुआ था। यहाँ पर इसराइल के कुछ सैनिक इकट्ठा हो रहे थे, जिन पर हिजबुल्ला ने ये आत्मघाती ड्रोन फायर किया था। और इस हमले के बाद दोपहर 3 बजे हिजबुल्ला ने अल मलिकिया मिलिट्री साइट पर हमला किया था और हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इसी बेस पर IDF के जासूसी उपकरणों को एक हमले में उड़ा दिया। हालांकि इन हमलों के दौरान इजरायली सेना ने भी दक्षिणी लेबनान के यारीन और जिबीन कस्बों में एक ड्रोन हमला किया था। IDF के ड्रोन ने यहां एक गाड़ी को भी निशाना बनाया था। इसके अलावा शीबा के बाहरी इलाकों में भी IDF ने भीषण बमबारी की थी। दो अक्टूबर 2024 को यमन के हूती ने दावा किया था कि उसने लाल सागर में 3 बड़े हमले किए हैं। हूती के मुताबिक उसने लाल सागर में पनामा के झंडे वाले ऑयल टैंकर कॉर्डेलिया मून पर एक समुद्री ड्रोन से हमला किया था। हूती के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब ये जहाज होदेदा बंदरगाह से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर था। इस हमले को लेकर हूती ने कहा था कि उसके ड्रोन हमले से कॉर्डेलिया मून का एक बैलास्ट टैंक पंक्चर हो गया था। हालांकि उस वक्त हूती ने इस हमले को लेकर कोई वीडियो जारी नहीं किया था, लेकिन अब हूती के इस हमले के 2 वीडियो सामने आए हैं जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल जब हूती का समुद्री ड्रोन जहाज के करीब आ रहा था तो उस वक्त जहाज पर मौजूद चालक दल ने इस ड्रोन को तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन ये ड्रोन हर हमले से बार बार बच रहा था और सुरक्षा कर्मियों की लाख कोशिशों के बावजूद ये ड्रोन सीधे जहाज में जा लगा। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे क्रू मेंबर्स फायर फायर चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनके सारे वार खाली जा रहे हैं और अचानक से ये ड्रोन जहाज से टकरा कर फट जाता है। हालांकि हूती यही नहीं रुकते, वो इस ड्रोन हमले के बाद इस जहाज पर ताबड़तोड़ करीब 8 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल